बाढ़ व कोरोना के दोहरी मार के बीच महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटी समाज सेविका बिट्टू मिश्रा। जागरूकता अभियान संस्था गनगौर की संचालिका बिट्टू मिश्रा ने चलाया अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर संचालित जागरूकता अभियान संस्था गनगौर की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अभियान चलाया। इस दौरान बिट्टू कुमारी मिश्रा ने बाढ़ के पानी से टापू बना बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में नाव से व पैदल पहुंची, जहां उन्होंने अपनी टीम की मदद से जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड, साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया। गरीब महिलाओं के घर पहुंचकर होने वाली समस्याओं से भी अवगत हुई। जानकारी देते हुए संचालिका बिट्टू कुमार मिश्रा ने कहा कि करहारा पंचायत बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है, खासकर महिलाओं को महावारी समेत कई बड़ी समस्याएं हो रही है, जिसको देखते हुए अपनी टीम की मदद से इस गांव में पहुंचकर महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण किया गया, ताकि ऐसे विपरीत समय में महिलाओं को बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ व बारिश को देखते हुए हमारी संस्था के द्वारा लगातार अभियान चलाकर गरीब महिलाओं तक निशुल्क पैड व जरूरतमंद सामान का उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके में राहत उपलब्ध करवाएं। इस इलाके के लोग बहुत बड़ी समस्या में हैं, गरीबों को बहुत कष्ट हो रहा है। मौके पर राज मिश्रा, किरण शर्मा समेत अन्य टीम के लोग मौजूद थे। ब्यूरो प्रमुख रंजन अभिषेक की रिपोर्ट। विधानसभा का 5 गांव पड़ता है जो बाढ़ से बिल्कुल ही ग्रसित हो चुका है और यहां पे आवागमन बंद है। चारों तरफ देख सकते हैं आप, पानी ही पानी भरा पड़ा है। हम लोग आए हैं कुछ जरूरत की सामान, वृद्ध के लिए दवा, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड एवं कुछ दवाएं, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जो हम लोगों से संभव हो पाया है तो हम लोग यहाँ पे वितरण करेंगे, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लोग कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो हम लोग की ये छोटी सी कोशिश है, अभी हम लोग नाव से जा रहे हैं गांव के तरफ, थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ पे जो हम लोग की तरफ से कोशिश है वो हम लोग देंगे। हमारे साथ है हमारी सहयोगी किरण शर्मा, हम लोग दोनों लोग मिलकर जा रहे हैं।